अस्सलामुअलैकुम। मैं अफरोज़ कुरैशी आज चने दाल गोश्त की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कुकर में ये तेल गरम हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से, और इसके अंदर मैंने दो बड़ी प्याज है जिसको काट के तेल में डाल दिया है। अब इसको पूरा ब्राउन होने तक पका लेंगे प्याज को। तो आप देख सकते हो कि प्याज एकदम ब्राउन हो गई है। इसमें से हमको आधी प्याज बाहर निकाल लेना है और आधी प्याज हमको तेल में ही रखना है। ये देखिए आप, अब इसके अंदर अदरक लहसुन है, अदरक लहसुन डाल के प्याज के साथ में अच्छे तरीके से भून लो ताकि अदरक लहसुन की स्मेल चली जाए। अदरक लहसुन अच्छे तरीके से भून गया है, अब इसमें गोश्त डाल दो। तो ये मैंने बकरे का गोश्त ली हूँ और गोश्त डालकर अदरक लहसुन के साथ गोश्त को भी बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। ये गोश्त देख सकते हो आप बहुत अच्छे तरीके से भून गया है। अब हम इसके अंदर कड़े गरम मसाले डालेंगे, ज़ीरा, हरी इलायची, लौंग, काली मिरी, ये सब डाल के अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसके अंदर लाल मिर्ची एक चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, धनिया एक चम्मच और नमक डाल के फिर अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और बहुत अच्छे तरीके से गोश्त भून गया है। अब मैं इसके अंदर कम से कम 2 गिलास पानी डालूंगी क्योंकि बकरे का गोश्त है तो जल्दी गल जाएगा। तो 2 गिलास पानी डालकर और इसको मिलाकर इसमें 5 से 6 सीटी लगा लूँगी ताकि गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। अब हमको मिक्सी जार में 1.25 किलो के करीब दही मैंने लिया है और जो प्याज मैंने बलिश्ता बना के रखी थी तो उसमें से प्याज डालना है दही के अंदर, और 4 से 5 हरी इलायची है, जावित्री है, जायफल है, ये सब चीज़ को हमको मिक्सी में पीस लेना है। अरे हमने अच्छे तरीके से पीस लिया है, यहाँ गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। अब मैं इसके ऊपर की जो थोड़ी तरी है वो निकाल लूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो गाइज़ आप भी इसी तरीके से बनाइए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक ज़रूर दे दीजिए ताकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। तो अब मैंने गोश्त के अंदर जो पिसा हुआ दही, ब्राउन प्याज, हरी इलायची, जावित्री, जायफल है उसको डाल दिया है पिसा हुआ, और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिला लूँगी ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से सूख जाए। अब जो चने की दाल थी वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये खाने में भी बहुत लाजवाब हो रहता है। अब इसमें अदरक के डाल दिया है कट करके, कोथमीर डाल देना है, ब्राउन प्याज जो हमने बचाए थे वो डाल देना है, और पिसा हुआ गरम मसाला डाल देना है इसके अंदर। तो आप देख सकते हो तरी भी माशाल्लाह कितनी अच्छी हुई है। अब मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। गरम मसाला भी डाल देना है और इसको चला लो। और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा मेरा चने की दाल का गोश्त तैयार हुआ है, दाल गोश्त। तो गाइस अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जज़ाकअल्लाह। कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।